काय नोकरी वाली वो दी खाते हो नाइस बाप रे ऐसा क्या है इसमें चार लोग से भी नहीं बुला। बहुत सारी चीजें होती हैं कभी भाई अपने एक प्रॉपर नियम है तो हाँ कल पहले उसका शुद्धिकरण करेंगे। और भाई कभी कभी मुझे लगता है ना कि यार मैं ना बाहर भाई खाली में खाता हूँ बिकॉज जब घर में इतना बढ़िया बनता है ना तो भाई बाहर जाके मतलब वेस्ट ऑफ मनी लगता है ब्रो। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई दिन दोबरी अभी हर मैं गेट से आ रहा हूँ बिकॉज एक थोड़ा कुछ सामान आना था ग्रॉसरी का और मन नहीं कर रहा था बट मजबूरी थी। और हाँ अभी हमारी अनबॉक्सिंग बच्ची तगड़ी भाई वो करेंगे हम और बाकी लेट्स सी व्हाट हैपन। तो ऑल गुड गुड टू गो। बाकी धूप यार बारिश चाहिदा भगवान वेनू प्लीज़ बारिश करवा दे भाई सब कुछ जरूरत है। ठीक है चलो लेट्स गो गाइस। तो गाइस आई एम बैक और हाँ भाई बारी है अनबॉक्सिंग की। भाई बहुत थोड़ी अनबॉक्सिंग होने वाली है अभी करेंगे। मैंने इनफैक्ट मम्मी को बुलाया पापा को बुलाया और शिवांश भी अनबॉक्सिंग करेगा। क्यों मैं लाइक टू रेनबो दिखाऊंगा। अरे यार चलो दिखाओ भाई इसको कहीं ना कोई वहां रेनबो दिखाता हूं गाइस। ये देखिए रे गाइस ये है रेनबो। रेनबो है ये लाइन ने रेनबो दे दिया और रेड भी है रेनबो के साथ। चलो रेनबो के संग रेड भी है। मामा हां अभी इधर आ जाओ अभी इधर आ। रेनबो को खराब नहीं करो आ जाओ। रेनबो खराब नहीं करेंगे वहीं रख दो वहीं रख दो वहीं रख दो उसको रेनबो को वहीं तो रखो वहीं वहीं छोड़ दो छोड़ो 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 छोड़ो। हाँ चलो गाइस ये था भाई शिवांश का रेनबो और अब हम क्या करने वाले हैं क्या बोलते हैं उसको अनबॉक्सिंग क्या कहते हैं अनबॉक्सिंग हैं मामा अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग। हाँ चलो गाइस हम ये उसके बाद करेंगे अनबॉक्सिंग। ठीक है ऑल गुड Good to go, let's go. मामा मैं बताता हूँ। अरे यार अभी करते हैं। A few minutes later. क्या कर रहे हो ये? ये मेरे पास दादा से। भाई साहब वो गिर रहा है उसमें से यार। इधर आओ यहाँ पर रखो उसको। ये मेरे पास कितनी ताकत दिखा रहा है वहाँ। यहाँ से गिर रहे हैं देखो ये। यहाँ पर से कहीं है इसमें से ये देखो छोटा सा ये देखो गिरा। बॉडी दिखा दो गाइस को अपनी। गाइस देख लो भाई मेरी बॉडी। हां यहां से दिखाओ ना इस करके। ये गाइस ये है शिवांश की बॉडी। बहुत पानी से खाता हूं। नहीं 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 अब रहने दो अब रहने दो अब सीधा अनबॉक्सिंग करेंगे। फाइनली गाइस अब टाइम है भाई अनबॉक्सिंग करने का। और हां भाई बहुत दिनों से कहने लगा मतलब कल से कहने लगा हूं कि भाई अनबॉक्सिंग करनी है अनबॉक्सिंग करनी है अनबॉक्सिंग करनी है। तो फाइनली भाई लेट्स डू द अनबॉक्सिंग। भाई टीम हमारी रेडी है ऑन द हॉटस्पॉट और गो इसको तो पहन लो। अरे ये चलो गाइस अनबॉक्सिंग कराएंगे हम पापा और मम्मी के हाथ से। चलो अब यहाँ ध्यान दो मामा ये केक है इसके अंदर बहुत बड़ा केक है। हाँ ऐसे पहन लो ऐसे पहन लो। चलो चलो भाई मामा टोपी छोड़ो पहले तो हम बीटू वहाँ पर तो देखो कितनी बढ़िया चीज है उसकी अनबॉक्सिंग हो रही है। हाँ आओ हम आपको भी लाते हैं चलो करेंगे अनबॉक्सिंग। यहाँ से आओ यहाँ से बैठो। हाँ यहाँ से आओ चलो ये तो हो चुकी है। चार लोगों से भी नहीं है चलो पहले आप कर लो हो गया। हाँ इसको आप पकड़ लो चलो खींचो खींचो। अरे इसमें भगवान की था मम्मी के तो हाथे जुड़ गए। ये हमारा हिंदू ग्रंथ अभी नहीं खोलेंगे कल करेंगे इसको ना ठीक है बस अभी अनबॉक्सिंग करने हैं। अभी खाली अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो गाइस ये ऑर्डर करी है हमने भगवद गीता और कहते हैं कि भाई भगवद गीता में ना आपके सारे प्रॉब्लम का हल होता है। कोई भी पेजा पकड़ेंगे तो आपकी जितनी प्रॉब्लम होंगी उनका सारा हल होगा भाई इस भगवद गीता में। तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई हर अपने परिवार में होनी चाहिए हमारे परिवार में। तो गाइस हाँ मैं चाहता हूँ कि भाई हर परिवार में एक भगवद गीता हो और पढ़े भी सो दैट की जो परेशानी है परेशानी आए तो भाई सॉल्व हो सके अपने आप। तो भाई सुबह शाम पढ़ी जाएगी भाई अब से भगवद गीता ऑन द हॉटस्पॉट ठीक है। तो बताने कि भाई ये आपको कैसा लगा मतलब था यार को। हाँ और ये जो मंगाने का पीछे वो था ना एक दिन ऐसे पापा और बैठे थे तो मैंने कहा यार ऑर्डर कर लेते हैं मतलब मंगा लेते करके तो उसी टाइम भाई ऑनलाइन देखा हमने तो सही हो गया। तो मतलब आपके मन में कैसा ख्याल आया कि भगवद गीता लेनी चाहिए। मैं भी आ जाता हूँ। हाँ आ जाओ आ जाओ आप भी आ जाओ। ख्याल कुछ नहीं आया बस ऐसे था कि बहुत टाइम से कुछ थी अपनी भी कोई ऐसी दिक्कतें होती हैं जो हम जब जाहिर नहीं कर सकते हैं हम तो शेयर भी ना, अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर सकते। ना 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 बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे करके मजाक से हटके खेलो मैं वाली बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ कि भाई ये बुक बहुत बढ़िया ऑल गुड
शिवान छुप गए। हाँ करो बेटा। भाई लड़की की बड़ी शैतानी होती है। तो फाइनली भाई ये थी अपनी अनबॉक्सिंग यार भगवद गीता की। और हाँ बताना कि आपको कैसा लगा, बाकी कमेंट सेक्शन में भाई जय श्री कृष्ण जय श्री राम हर हर महादेव जरूर लिखना, ठीक है ना। और हमारी लड़की भाई शैतानी एज ऑलवेज स्टार्ट हो चुकी हैं, बाकी मम्मी को तो नहीं फोटो दिख रही कैसी यार भाई, ये बहुत शैतान है यार, बहुत शैतानी करना सीख गए हुआ। मैं आपकी पिटाई करूँ गैस से पहले पूछो गैस में कैसा लग रहा हूँ पूछो तो एक बार, इतने बार उसने पूछ लिया है ना बहुत ज़्यादा बार, मम्मी से पूछ रहा है मुझसे पूछ रहा है नानू से पूछ रहा है। और हाँ भाई हर घर में ना भगवद गीता ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज कैसी प्रॉब्लम हो भाई कोई प्रॉब्लम हो सारा सॉल्यूशन का हल भाई मिलेगा आपको सिर्फ एक बुक में, वो है भाई भगवद गीता, ठीक है। तो कुछ नहीं भाई अपने घर में आ चुकी है, अब पढ़ेंगे सुबह, इनफैक्ट सुबह पढ़ेंगे कि शाम के टाइम फिर खाना खा के भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसका भाई अपने एक प्रॉपर नियम है। तो हाँ हाँ कल पहले उसका शुद्धिकरण करेंगे गंगा जल और जो भी कुछ होगा वो कल मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऑल गुड गुड टू गो, बाकी अभी के लिए फिलहाल ये था। और अभी थोड़ा शाम के टाइम में ना एक चलते हैं इवनिंग राइड के लिए। तो गाइस इवनिंग यार कैसे ऐसे घूमने तो हम चल रहे थे बट साथ ही साथ थोड़े से कट्टे भी हैं भाई, ये भी जाने हैं। ओहो ठीक है ये ऑल सेट, और इन तीनों के साथ भाई हम राइड करने वाले हैं। तो गाइस प्लान में एक सडन मैंने चेंज कर दिया एक्चुअली ना, जब हम कल वहाँ गए थे मतलब कल क्या परसों गए थे कहते हम, तो मेरे ना भाई पकौड़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है और वहाँ भाई कहीं मिले भी उसके ना वो कथक जैसी रह गई है, और ऊपर का खैर भाई पकौड़ी पता नहीं मिलती नहीं मिलती, बट हमारे वहाँ से ना थोड़ा सा नीचे मैं बहुत पहले भी गया था पता नहीं आती नहीं है भाई वो पकौड़ी ने भाई एक कीड़ होती है सभी वहीं चल रहे हैं। फाइनली भाई बस आ ही गया भाई, बहुत भीड़ है यार यहाँ। चलो भाई साहब और तो मुझे, अबे यार यहाँ तो पूरा पैक्ड है। 20 minutes later हाँ भाई अपनी पकौड़ी तो आ गई है, पर हाँ जो यार यहाँ पर का व्यू है भाई बहुत ज़्यादा प्यारा है, इनफैक्ट पीछे वाला व्यू तो मतलब वहाँ तो रोड साइड का है और अंदर भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बट ये देखो भाई पूरा खुला स्पेस है तो बढ़िया है भाई। अभी ये फिनिश करते हैं फिर लेट्स सी गाइस व्हाट हैपन्ड बाय द वे पकौड़ी एकदम 88 ऑल गुड गुड टू गो। भाई मैंने तो यार कैमरा अंदर रख दिया था बट भाई यहाँ ऐसी गंदी गाड़ी चला रहे हैं ना लोग, तो भाई अपनी सेफ्टी होनी चाहिए मतलब कैमरा भी सही है भाई कैमरा होना चाहिए हमेशा भाई, ये मैंने देख लिया अभी भाई ये गाड़ी वाला बिल्कुल किसी साइड लाया गाड़ी, चलो कोई ना क्या कर सकते हैं भाई हम तो अपना सावधानी चलते हैं। तो भाई घर पहुंचने के बाद ना यार दीना भाई ये चाट बनाई थी जो कि अब इसमें सब ना के बराबर रह गई है, और भाई कभी कभी मुझे लगता है ना कि यार मैं ना बाहर भाई खाली में खाता हूँ बिकॉज जब घर में इतना बढ़िया बनता है ना तो भाई बाहर जाके मतलब वेस्ट ऑफ मनी लगता है ब्रो, बट चलो सही है अभी। और हाँ अभी चार्ट तक यार क्या फिनिश करेंगे ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है, तो अभी थोड़ा एडिटिंग हाँ एडिटिंग का करना है बिकॉज मुझे कल सुबह निकलना है कहीं, ठीक है। A few minutes later. तो फाइनली गाइस खाना पीना हमारा हो गया और हाँ भाई कल सुबह हमें मैंने बताया कि हमें जाना है तो हम जाएंगे, और अभी फिलहाल भाई एडिटिंग मतलब मैंने फाइल ट्रांसफर कर दी है तो कल मॉर्निंग में तड़के उठ के एडिटिंग करेंगे। और हाँ भाई साथ ही साथ कल जो भगवद गीता आई है भाई उसको ना शुद्धिकरण भी करेंगे जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो ये सब करेंगे और अगर हम थोड़े देख लेते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना सब्सक्राइब करना, हम मिलते हैं कल सीजन 5 जय हिंद गुड टू गो बाय बाय।